नमस्कार, आप देख रहे हैं। इस वर्ष नवंबर माह में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके चलते अब भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप और घोषणाओं का दौर शुरू हो चुका है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगी वारासिवनी विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस की आने वाली सीट नजर आने लगी है। यहां के निर्दलीय विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल की कांग्रेस में वापसी की उम्मीद अब बची हुई नजर नहीं आती है। यहां से फिलहाल कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्की पटेल कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, जो रात दिन अपने क्षेत्र में भ्रमण कर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक गुड्डा जायसवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक जायसवाल ने राजनीति को अपना व्यवसाय बना दिया है, इसीलिए अब धीरे धीरे उनके समर्थक उनसे दूर होते जा रहे हैं। पिछली बार उनकी कांग्रेस से टिकट कट गई थी, तब सहानुभूति के कारण कांग्रेस ने उनका साथ दिया और वे जीत गए, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने गोडसेवादी विचारधारा को अपना समर्थन दिया और अपना व्यवसाय किया, इसलिए कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। विधायक जायसवाल का एक आवेदन भाजपा के ऑफिस में है तो दूसरा कांग्रेस के। वे किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का मुकाबला भाजपा संगठन से है। गुड्डा जायसवाल निर्दलीय भी लड़ें तो कांग्रेस को अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या कहा कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने, देखिए एक खबर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को अपना परिचय दें। मैं विक्की पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वाराणसी और कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूँ मैं वाराणसी का। चूंकि अभी जो चुनाव की माहौल चल रहा है, अक्टूबर में आचार्य संहिता लग जाएगी और संभवतः आचार्य संहिता के पहले कांग्रेस की सारी टिकट जो है क्लियर हो जाएंगी कैंडिडेट को लेकर। ऐसे में जो है आप वाराणसी विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, तो बूथ मैनेजमेंट को लेकर अभी क्या तैयारी चल रही है? चूंकि पहले भी कमलनाथ जी ने कहा है और हम भी बात करने का तो कह चुके हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। यदि उनसे जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा और कमलनाथ जी के पदाध्यक्ष बनने के बाद संगठन का विस्तार किया गया। पहले सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, अब हमारे सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ कमेटी, BLA सब का निर्माण किया गया और जमीन स्तर पर, बूथ के स्तर पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और आप देखेंगे हमारे वाराणसी क्षेत्र में हमने भी तीनों ब्लॉकों में काम किया, जमीन स्तर पर काम किया है, बूथ कमेटी बनाई है, BLA बनाया है और हमारे भी लड़ाई इस बार हमारे संगठन की लड़ाई भी भाजपा संगठन से होगी। एक कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एक मुख्य जो है योजना जिसके फॉर्म लेने पर नारी सम्मान, तो आपके वाराणसी विधानसभा के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो आपके कार्यकर्ता है या जिनका आपने जवाबदारी सौंपी उनके द्वारा अभी भी काफी जो हीलावाली की जा रही है उस फॉर्म को भरने में, जो ऊपर से तो सख्त आदेश है। नहीं, हमारे यहाँ तो अपने 70,000 फार्म भरने का लक्ष्य है, 30,000 फार्म भर चुके हैं और मैंने पूरे 70,000 फार्म का वितरण किया है, 30,000 का वितरण किया, 40,000 का वितरण होना है। क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, अभी 3-4 दिन से बारिश होने के कारण काम में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग खेती वाले लोग हैं, वे खेलना जिन कम से कम 10,000 फार्म भर चुके हैं, डोंगावेट ब्लॉक में काम शुरू हो गया, धीरे धीरे वाराणसी ब्लॉक में हो गया है, शहर में काम चल रहा है, 2 दिन से क्या वो बारिश हो गई तो हमारा काम शहर रुक गया। तो हम कामों का हमने वितरण किया है अलग अलग तीनों ब्लॉकों में, शहर में काम चल रहा है, अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, महिलाएं घर से निकल खुद आ रही हैं, लोगों को विश्वास दिख रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस अगर आने वाली है आएगी तो महिलाओं को संभल करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए 1500 हर महीने मिलेंगे और शुरू से मिलेंगे। भाजपा तो जाते जाते दे रही लोगों को, तो चुनाव फंडा पर हम शुरुआत से देंगे। जब महंगाई से महिलाएं चरम परेशान हैं तो 1200 सिलेंडर हम 500 देंगे, 100 यूनिट हमारी फ्री रहेगी, 200 यूनिट हाफ मिलेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा। सबसे अच्छी बात है हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में रबी का रकबा बढ़ा है और कमलनाथ जी ने कहा है कि रबी की हमारी सरकार आएगी तो रबी का समर्थन में खरीद जाएगी, रबी की फसल, उससे हमारे किसान बहुत उत्साहित है, खुश है। वो तो भाजपा ने भी कहा कि वो भी खरीदेगी। भाजपा तो नकल मार रही है, देखो भाजपा को दिखने लगा सरकार जा रही है, जो चीज हमारी घोषणा पत्र उसकी नकल मार रही है, उन्हें 1,000 दिया बोलते 2,000 देंगे 3,000 देंगे, वो तो संतुलन खो चुके हैं। लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, समझ सर्वे बता रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, कांग्रेस पक्ष में माहौल है, लोग उत्साहित हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जो कि कर्नाटक रिजल्ट के बाद, हिमाचल रिजल्ट के बाद कांग्रेस संगठन मिलकर काम कर रहा है। और हमारे यहाँ तो क्या देख रहे हो आप, हमारे देश में कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है और सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे काम कर रहे हैं और सबने संकल्प दिया है कमलनाथ जी को कि हम वाराणसी सीट आपको जीत के देंगे। आपने कहा कि आपकी जो यहाँ पे जो वाराणसी विधानसभा जो कांग्रेस की लड़ाई है वो भाजपा के संगठन से, तो यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर वो हो सकते हैं,
निर्दलीय लड़े थे गुड्डा जयसवाल जो वर्तमान विधायक थे कलेजी का अध्यक्ष भी, तो वो उनसे लड़ाई किस तरीके से देखते हैं आप, कितना इफेक्ट करेंगे, कितना नुकसान करेंगे, कितना डैमेज करेंगे? जिनकी बात कर रहे हैं निर्दलीय विधायक, उनका आवेदन भाजपा के ऑफिस में भी है, कांग्रेस के ऑफिस में भी है और निर्दल में भी है। इतने पदलोलुप आदमी ने देखा नहीं आज तक राजनीति में, जिनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है। निर्दलीय लड़े वो, हमने उनको इसलिए जिताया था क्योंकि अचानक भाजपा से व्यक्ति को टिकट मिल गई थी कांग्रेस की, तो हमने गायत्री मंदिर में तय किया, 5-4 लोग जमा हुए और एक आगे निर्णय था कि हम आपको लड़ाएंगे, उनको लड़ाया निर्दलीय, पूरी कांग्रेस उनके साथ थी। हमने चुनाव में ये बोल के लोगों से वोट मांगा था, असली कांग्रेस की कांग्रेस, कांग्रेस को बचाना है, झंडा वापस लाना है। 25,000 के बजट में पहली बार हमारे कहने पे कांग्रेस के अलावा टिकट को उड़ दिया था। जैसे ही हमारी सरकार बनी, 7 निर्दलीय थे, कमलनाथ जी ने अपना वचन निभाया, उनको मंत्री बनाया, बहुत बढ़िया कृषि मंत्रालय दिया, खड़ी मंत्रालय दिया, 5 साल सरकार थी, 5 सालों मंत्री रहते। जैसे ही 1.25 साल में सरकार गिरी, कमलनाथ जी अपनी आंखों में निराशा लेकर पहुंचे राज्यपाल को इस्तीफा देने, उस समय तत्काल ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता था, बिना किसी कागज से पूछे, सिर्फ अपने धंधे को संरक्षण पाने के लिए। तब ये सिद्ध हो गया कि ये पदलोभी व्यक्ति है, सत्ता का लोभी व्यक्ति है। तब से हम कांग्रेसी लोग अपने झंडे में वापस आ गए, आए वारस नहीं आए, ने समर्थन दी भाजपा को अपने कार्य से, अपने राजनीतिक कार्यक्रम इतनी बड़ी फिंडी जो कमला जी प्रोग्राम में थी। आज हमारी कांग्रेस संगठित है, कोई भी चुनाव लड़े, हमारे यहाँ विषय नहीं कौन लड़ेगा, हमारा विषय यह है कि इसका अहंकार टूटे और कांग्रेस का विधायक बने, सरकार हमारी बन रही है, हमारा विधायक बनेगा, लोगों को काम हो सकेंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। क्या कारण रहा कि इतना सब होने के बावजूद भी जब आप वाराणसी का चुनाव आपने लड़े, आपकी 0 सीट रही, क्या वजह मानते हैं इसको, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस नपा चुनाव? क्या हुआ, हमारे 35 साल से वाराणसी में जायसवाल परिवार के नेतृत्व कांग्रेस चल रही है, 35 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार उनके पिताजी, 5 बार ये, पूरा संगठन के हाथ में था, नेतृत्व के हाथ में था, नेता ये थे, अचानक इन्हें बीच में साथ छोड़ दिए। फिर हमने धीरे धीरे संघर्ष शुरू किया, हमने पंचायत चुनाव में अचानक पंचायत चुनाव और नगर चुनाव साथ में आ गए, हमने पंचायत चुनाव में मेहनत की, 3 सीटें जिला पंचायत की, हम एक जीते, एक भाजपा जीती, एक निर्दलीय जीता, निर्दलीय इनका नहीं भाजपा का बागी, इनकी 0 सीट आई जिला पंचायत में, जनपद में कोई नहीं आ पाए, पंच सरपंच इनके नहीं आए। जब इनको लगा कि मेरी जमीन खसक रही है, मेरे लोग पंचायत चुनाव में हार गए, पंचायत चुनाव कितने उठ के हुए थे, 50,000 उठ के पंचायत, जिला पंचायत चुनाव थे, वाराणसी चुनाव में 15,000 वोट डले। जब इनको लगा मैं जिला पंचायत जनपद हार चुका हूँ, सरपंच हार चुका हूँ, इनने पूरी ताकत झोंक दिया, धन बल बाहुबल, लोगों प्रेशर पार्टीज की दबाव बनाया, हमने इसी तरीके से सुपर कैंडिडेट उसको शाम को बुला के चमकाया गया, तुम कांग्रेस नहीं लड़ोगे। हमारे इनका प्रयास था कि 15 कैंडिडेट हमको ना मिले, चूंकि हमारा नया नया काम था, हमने शुरुआत की थी, नए सिरे से कांग्रेस खड़ा किया था, इनके प्रेशर पार्टीज को पश्चात भी हमने 15 कैंडिडेट खड़े किए, हमने 3,000 वोट का खड़े प्राप्त किए, कुछ वोटों से हारे। पर अब देखेंगे आप, अब समय बदल चुका है, इनका डर खत्म हो चुका है, हमने नए सिरे से वाराणसी शहर में पार्टी को खड़ा किया है, अभी हम बाद में घूम रहे हैं, नारी समाज के फार्म भर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अब देखना आप, नवंबर में हर चुनाव का अलग अलग वोट होता है, सरपंच चुनाव वोट अलग होता है, नगर परिषद अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, लोकसभा अलग होता है। इस समय हमारी कांग्रेस संगठित है, लोगों से इसका डर खत्म किया हमने, इसका आतंक खत्म किया। हमारा उद्देश्य क्या राजनीति का, इसका आतंक खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, साफ सुथरी राजनीति वाराणसी पर खड़ी हो। लूट का अराजकता माहौल है, ये कौन है भी, खनिज निगम के अध्यक्ष है, इनका काम क्या है, खनिज की रक्षा करना, आज इनके नियंत्रण में पूरी नदियों लूटा जा रहा है, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा, पूरी नदियां लूटी जा रही है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई घाट सेंक्शन नहीं है, इनका संरक्षण है, गांव का दारू दुकान खुल रही है, कचहरी में भ्रष्टाचार है, थानों में भ्रष्टाचार है, कोई नियंत्रण नहीं इनके नेतृत्व में। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि इनका आतंक खत्म हो, साफ सुथरी आदमी खत्म हो, लूट का माहौल खत्म हो। आप देखो ना इनकी स्थिति क्या है, पता करो आप, 5 साल निर्दलीय विधायक है, जनता किसी मुद्दे में लड़ाई लड़ी, बता दें किसी मुद्दे में लड़ाई लड़ी हुई, कभी घर से निकले, इन्होंने राजनीति को व्यवसाय बनाया है, आतंकी राजनीति करी है, आज घूम रहे क्षेत्र में, आप बोले ना क्या स्थिति रहेगी इनकी। पिछले बार चूंकि पूरा कांग्रेस संगठन के साथ था करके जीत गए, एक सहानुभूति थी, मेरा क्या कसूर, अब जनता बोल रही है हमारा क्या कसूर, इनको वोट दिए, अब बोलते हैं कि मैंने जीतने के बाद जिसकी सरकार बनी उसको वोट दूंगा। यदि यही बात चुनाव में बोलते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, जिसकी सरकार बनी उसको वोट दूंगा, तो कोई कांग्रेस के साथ खड़े नहीं था। आज कांग्रेस ही ठगा समझ कर रहा है, इनको सबसे ज्यादा संज्ञान चाहती है हमारी क्षेत्रीय जनता, क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को, क्षेत्र का विकास नहीं, खुद का विकास, आप पता करना,
आप देखना इनका, इनके सीए से पता करना, इनका बजट देखना, इनका वो देखना, सीए से पता करना इनकी क्या स्थिति इनकी थी और आज क्या स्थिति है। वाराणसी की अगर खुद का विकास की जाए तो कांग्रेस का कमजोर पट्टा नजर आता है खैरी सावरी खैरगंज वाला पट्ट, वहाँ किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने में और उस पट्टे को मजबूत करने में विक्की पटेल जी जो है क्या भूमिका निभाएंगे, कब से चालू करेंगे? हमारे यहाँ 90 पंचायत है, 60 वाराणसी क्षेत्र की पुरानी और 30 खैरगंज क्षेत्र की, कमजोर नहीं है वहाँ। हमारा सरपंच खैरी में 1000 वोट जीता, वहाँ अभी धीरे धीरे वहाँ काम कर रहे हैं, अभी हमने वहाँ पदयात्रा निकाली थी हाथ से अगवा, उस पर लोग से जुड़ते गए। मैं बता ना कुछ लोग इनके साथ वहाँ, कुछ लोग इससे कुछ लोग जुड़े इनके साथ, एक तो इस सत्ता में ये रिवेंज फुल पार्टीज करते हैं, सरपंच है उसको दबाते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं, कुछ लोग या तो सरपंच है उसको दबा लाते हैं या कुछ लोग जो अवैध काम कर रहे हैं उन पर इनका संरक्षण है, धीरे धीरे इनका डर खत्म होगा। हमें हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, बिना आतंक की राजनीति, बिना दबाव की राजनीति। कांग्रेस को जो है कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े किए जाएंगे चुनाव में, बहुत यहाँ पे जो आरएसएन का चुनाव जिस पूरे जिले की नजर यहाँ पे लगी हुई है इस बार, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कितना मतलब नुकसान पहुंचाएगा? गुड्डा जायसवाल एक बाहुबली प्रत्याशी, उनके अलावा भी और कुछ नहीं, बाहुबली प्रत्याशी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, वो जितने के हरली हथकंडे अपनाए, साहब कहना कई लोग निर्दलीय लड़ाएगा वोट काटने के लिए कुछ करेगा, पर उसके प्रयास चलने वाले नहीं है, लोग उसको समझ चुके हैं, वो बेनकाब हो चुका है, उसका नैतिक पतन हो चुका है। इस बार ये कांग्रेस का माहौल है और ये वाराणसी विधानसभा क्षेत्र वैसे कांग्रेस का सीट रही है, अभी आप शुरू देखिए आप अधिकांश यहाँ कांग्रेस जीत रही है, पिछले बार भले वो निर्दलीय थे पर जीती कांग्रेस थी, पर संगठन के साथ था। इस बार लोगों को समझ आ जाएगा आदमी व्यवसायी आदमी है, धंधा करने वाला आदमी है, व्यवसाय करने वाला उसने आया था, आप पता है क्षेत्र घूमा पूरे क्षेत्र की, अभी रोज अभी आज पिन के बारे में घेरा हुआ है, कल वहाँ कुर्सी बार में घेरा होता, पर मोगा रोड खराब है, समझ आगे रोड खराब है, 20 साल विधायक है, 20 साल से अब 20 साल काम पूछोगे, आज चिकित्सा व्यवस्था देखो रोशनी की, आप शिक्षा की व्यवस्था देखो, कोई स्कूल नहीं कोई कॉलेज नहीं, सब बाहर जाते हैं, यहाँ हॉस्पिटल देखो एक्सरे नहीं होते, तुरंत कोई पेशेंट गया उसको रिफर किया जाता है, कौन सा काम किया, सिर्फ नदियों का दोहन किया, खुद को बड़ा किया, खुद का विकास अरबपति आदमी है आज गुड्डा जायसवाल, खुद का विकास किया, उसको जो अहंकार है अपने पैसे का अपने पद का, रावण का अहंकार नहीं चला भैया, इनका क्या चलेगा, आदमी ताकत पीछे देखो राम जी का है संगठन, सब मिलके काम करते थे, सब टीम साथ करती थी तब जीते, पर रावण का भी जब अहंकार नहीं चला तो गुड्डा जायसवाल का भी अहंकार नहीं चलेगा, जनता उसके अहंकार खत्म कर देगी। वाराणसी खैरगंज क्षेत्र की बात करें तो ऐसे कौन से मतलब विकास कार्य, ऐसा कौन सी जो योजना है या ऐसा कौन सी जो प्रोजेक्ट है जो लगना चाहिए था नहीं लगे, क्या जरूरी बिल्कुल जो सबसे बड़ी बात तो रोजगार है, हमारे क्षेत्र में रोज पलायन कर रहा है, पलायन पलायन क्यों कर रहा है, रोजगार के अवसर ही नहीं है, तो क्या प्रयास करें, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए लोगों को, काम मिलना चाहिए, कैसे रोजगार, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा मिलना चाहिए लोगों को, व्यवसायिक शिक्षा कोई कॉलेज में कोई नहीं, कुछ कोई एजुकेशन नहीं आगे, कोई एजुकेशन व्यवस्था नहीं की इन्होंने कि लोग अच्छा पढ़े, एजुकेशन आईटीआई हो, वाराणसी में आईटीआई नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, यहाँ कॉलेज में कोई प्रोफेशनल शिक्षा नहीं है, तो पता करेंगे आप कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ समय खराब किया लोग क्षेत्र का, क्षेत्र को पीछे ले गए, पूरा दोहन किया है, बता ना इन्हें बताइए आपकी और गुड्डविया की बात करते एक समय राम लक्ष्मण की जोड़ी, बिल्कुल हम उनके साथ थे और आपने भी जो है बहुत काफी समय से बिल्कुल हमने पूरी जवानी उनको दी, पोस्टर तक चिपका है, हमने पूरे पोस्टर तक चिपका हुआ कि आप जो है उनसे बिल्कुल धीरे धीरे अलग हट गए, वो सिद्धांत अध्यक्ष रहते हुए जो है मतभेद चालू, नहीं नहीं वो सिद्धांतों से भटक गए, हम गांधी के लोग थे, गांधी के साथ थे, चूंकि जो विधानसभा लड़ते थे वो जो विधानसभा लड़ता है वो नेता होता है, हम उनके साथ काम कर रहे थे, अचानक वो गांधी की पार्टी से अपने फायदे के लिए अपने व्यवसायिक फायदे के लिए गोडसे की पार्टी में समर्थन दे दिया, तब से अलग हो गए, जब उन्हें झंडा निकाला तो उसके पहले जब नपाध्यक्ष थे आप तब नहीं, मैं उनके साथ था जब उन्हें टिकट के लिए टिकट कटी, पहला आदमी था 15 टिकट कराए फ्लाइट की, दिल्ली गए कमला से हम बहस की हमने क्या कसूर उठा था, टिकट दो टिकट कटी, पहला आदमी था यहाँ, भाषण दिया था मैंने सबसे पहले गांधी, पहले भाषण मैंने दिया था, पूरी मेरी मेहनत किया था, ईमानदारी से मेहनत किया था, पर वो जैसे चुनाव जीते मंत्री बने उन पर जो अहंकार आया, घमंड आया, किससे बात करना नहीं, क्या करता कि सुनना नहीं, पूरा ध्यान उनका खनिज विभाग में था, उनके साथी बदल गए थे, साथ देने वाले जिन्हें साथी थे कागजों को भूल गए थे वो, उनके व्यवसाय साथी बदल गए थे, आज ना वो उनके साथ है ना कागज उनके साथ है,